चलो वो कोई नहीं मिलता है अगर आप लगी रखें तो बाद में जब होगी आएगी। और कुछ उबासी वगैरह आंसू आना किसी आवाज़ हो किसी शक्ति से कोई ऊर्जा है या कोई उसके लिए आए तो एहसास हुआ कि जाप करते करते कभी ऐसा फील हुआ कि खुद के अपने चीजों लगो कैसे कह रहे हो तुम लोग क्या रोने लगो चिल्ला लो हंसने लगो कहाँ से हो तो फूला राम नाम है तुम्हें मैंने चाबी दे बैटरी दे दी है वो सुबह गाड़ी दे दी है उसमें पेट्रोल तुम्हें ही डालो जाप करना सब लोग पहुँचने के बैठ पूरा वो बोले लाल जी कट्टे उतार दिए क्या कौन अरे तो तुम उतरवा दो यार जब आदमी अरे तुम उतरवा दो दोनों मिस्त्री कट्टे दूसरा बोलना शुरू कर देते बोलते बोलते तो पता चलता था कि ये मंत्र ये तो दूसरे कुछ बोल रहा हूँ फिर एक बार क्या हुआ सातवां माला पे वो माला गिर गया जैसे लगा कि कोई हाथ से गिरा दिया खींच लिया गिर गया बस उसके बाद माला छोड़ दिया कुछ आवाज होना है बॉडी में कुछ एनर्जी कुछ है ऐसा परिवर्तन कुछ अंदर हर आदमी घर जाके जब तुम पहले पूजा पर बैठोगे ना पहले तो एक काम करना जाप करने से पहले वो बता रहा हूँ कि अब तुम्हारी संतुष्टि के लिए खाली 21 बार या 11 बार मंत्र जाप करना बैठ के अच्छे से निकाल बॉडी में हलचल होना भारीपन आना उबासी आना देना अगर शुरू हो जाए तो समझ लो शक्ति कनेक्ट है जिस काम के लिए आए हो वो कनेक्ट है वो काम हो गया ऐसे अब ऊर्जा लेवल जब भी बढ़ेगा तो जाओ मैं जो कह रहा हूँ ना एक दिन में साधना नहीं होती इसलिए नहीं होती कि एक दिन में कितना जाप कर सकते हो भाई एक दिन में 500 की दिहाड़ी कर सकते हो 1000 की क्या दिन बैठ के खा लोगे अरे यार मैं मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ यार उदाहरण दे रहा हूँ अरे नहीं 500 की दिहाड़ी कर रहे हो तो कितने दिन 500 खा लोगे एक दिन में खत्म कर दोगे नहीं एक दिन में खत्म हो जाए तो वही तुम एक दिन यहाँ पे 500 की दिहाड़ी करके लेके जा रहे हो अब तुम अपने घर पे करोगे जाके घर पे नहीं किए तो भूखे रहोगे हाँ नहीं समझे बात को जब तक घर पे जाप नहीं करोगे जब तक शक्ति का मजा नहीं ले पाओगे एक शेर लेके जाओ यहाँ पे तुम अपने और उस शेर को तुम खाना नहीं खिलाओ तो तुम्हें खा जाएगा याद रखना इस बात का एक मोर को थोड़ी बाद में खाना पहले उसे खिलाना अच्छा है क्या बोलना चाहोगे शिव शक्ति साधना के अंदर के बारे में तो बहुत अच्छा लगा जेन्युइन तरीके से साधना कराई जा रही है नहीं कराई जा रही है और जो लोग
चार पांच साल से हम वीडियो देखते कब आए कब आए, इंतजार करते करते अब भी उठा रहे हैं। आगे अच्छी बात है, आगे कोई भी शिविर लगेगा तो उसके विषय में क्या कहना चाह रहे हो कि लोग जुड़े आए, यहाँ पे साधना कराई जाती है रियल में या नहीं? एकदम आना चाहिए वो तुम बिना सोचे समझे आ जाना। अरे मेरे हायर करे हुए तो ना हो तुम, कभी मैंने पैसे दिए हो? कोई बात नहीं है, पैसे दे तो गुरु जी उतना दूर से हम यहाँ पर इतना पैसे के लिए अरे बड़े बड़े ज्ञानी आपको पता नहीं है, सारे ज्ञानी तो सोशल मीडिया भी पर इतने ज्ञानी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे जितने सोशल मीडिया पे मिलेंगे। कोई शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, शक्ति ट्रांसफर एक स्कैम है, फ्रॉड। हमने नया एक कुछ शक्ति ट्रांसफर के ऊपर निकाला था कि सेवा ट्रांसफर। सेवा का मतलब क्या है आपको मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सेवा ही समझो। जब तक काम करेगी जब तक तुम जाप करोगे, क्योंकि तुम इसे पका के लेके जा रहे हो और मैंने तुम्हें अपना पका पकाया दे दिया। चलो मैंने बाइक है मेरे पास या कार है, तुम मांग के ले गए, अब कागज तो मेरे ही नाम में है ना, जब चाहूंगा जब ले लूंगा वापस। वो सब स्थिति कुछ नहीं है, फ्रॉड है। कोई शक्ति हवा में ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, कोई कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें ट्रांसफर दे देता हूँ, पैसे नहीं, कोई सारा डाटा हो नहीं ट्रांसफर हो जाए। जब तक बैठोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, आज तुम यहाँ खुद पकाया होगा, खुद से खाओगे, और आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा चीज को पकाना या किसी चीज को पकाना क्या कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं अरे यार जो बाबा पैसा लेता है उसका हाथ नहीं लगता, तो पैसा लेके फ्रॉड कर रहा है, और तुम्हारा कौन सा पैसा खर्च हो गया है, तुम तो खाली हवा में मंत्र मार रहे हो, मट्टी उठा के दे रहे हो तो आराम हो गया है लोगों को, लेकिन वो मट्टी बनाने में कितने तपे हो तुम, आज पता चला। खाली एक दिन की साधना में ये बताओ नानी ताई किसे किसे याद है? सब याद आएगी, सब याद आएगी। मैं तो दो बार आई ना, और जब 21 दिन के 41 दिन के विधान में बैठोगे और जब टारगेट ऐसा दिया जाएगा जिसमें 150-200 माला करनी हो या 9 दिन के नवरात्र में बैठा दिया जाए तो क्या हालत होगी? हालत खराब हो जाएगी, 1 घंटा नहीं बैठ पा रहा था मैं तो, 9 दिन काम है। उस ऊर्जा को संभालने के लिए शरीर में एनर्जी भी तो होनी चाहिए, दिमाग हो जाता है, आदमी फाट के आ जाता है जब सेवा करता है। तो शक्तियाँ परीक्षा लेती है ना, तोल तोल के लेती हैं बढ़िया लग के। और हाँ अभी सबके ऊपर परीक्षाएं चालू हो जाएंगी तुम्हारी घर जाते ही, ध्यान रखना। बनते काम बिगड़ेंगे, बनते काम सारे बिगड़ जाएंगे, धन का आगमन रुक जाएगा, ध्यान रखना। सब लोग कभी सोचोगे गुरुदेव हमने हमारे साथ क्या हो गया, ये सब चेंजिंग आएंगे, लेकिन इनसे निकलना, जो इनसे निकल गया वो साधक, और जो इनमें फंस के वापिस लौट गया वो कुछ नहीं कर पाया। इनसे निकलना ही, वो कैसे निकलोगे वो मैं बताऊंगा जब जिसकी परेशानी बढ़ती जाए, एक बार कॉल कर दो। सारे काम बिगड़ जाएंगे, मुंह तक निवाला आएगा, वापिस हो जाएगा। कोई होगा ऐसा माई का लाल भक्त जिसको मैया ना दे कोई संकट, ना सबके साथ होता, परीक्षा सबकी ली जाती है, उस समय घबराना नहीं है और हमेशा शक्ति का गुणगान और अपने गुरु महाराज की 2013 से और 2017 तक वो लंका लगी थी मेरी, वो लंका लगी थी कि रोड पे आ गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, पूरी तरीके से कुछ नहीं था, यहाँ तक कि रिश्तेदारों से पैसे ले लेके खा गया था, इतने पैसे कर्जा हो गया था। कभी सोचे नहीं थे कि पूर्ण रूप से इसमें आना पड़े,
शौक में कर लिया। जब शक्ति ने अपनी कृपा दिखाने की चालू करी तो रोड पर लगे पड़ा, बड़ी मुश्किल में था। अब इन चीजों को जब जाना समझा, हम तो अरे यार कभी दिमाग में ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, शक्तियां ले शक्तियां बजा देंगे, समझ में नहीं आई। बाद में जब समझ में आई, जब सब कुछ बदला, तब जाके सारी चीजें दोबारा रिचार्ज करी। जब दादा एक्सपायर हो गए उसके बाद में पूर्ण रूप से आना पड़ा, तो मैट्रिक इस लाइन में आया हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सारी चीजें विरासत में मिली थी, कल भी ली, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि भगत बन के बैठूंगा इस लेवल। आराम से जिंदगी कट रही थी, मोल मार कर लाके यहाँ बैठा, तो कब किसकी कृपा बदल जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, इसको प्रोफेशन कौन कौन बनाना चाहता है? इस लाइन को प्रोफेशन कौन बनाना चाहता है? भगत कौन, मतलब गद्दी दरबार कौन कौन लगाना चाहता है? आप तो गद्दी चलाते हो ना? बाकी सभी लोग अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब पर्सनल कि बस शक्ति है हमारे सारे काम बन जाए मेरा पास। अब आदमी तो जो जो गद्दी लगाना चाहते हैं ना, वो गद्दी जैसी मेहनत करना, गद्दी वाला को बहुत मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बेइज्जत, कि हमारे पास हर क्वालिटी का आदमी है, कैसा पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी राजनेता सब आते हैं, सबको ले सकता, उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए। अगर उस लेवल का ज्ञान नहीं है तो खेल। एक कहावत है, क्या कहावत है? 1 लाख विद्या और 1.25 लाख चतुराई, और उसी का नाम है भक्ताई। भक्ताई नहीं समझे? 1 लाख विद्या फेल है तुम्हारे पास, अगर चतुराई चतुराई नहीं।